आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छा चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। टिब्रू ऑफिशियल की वीडियो है, वीडियो बताते हैं फॉरेन गर्ल इन पाकिस्तान रोस्ट। तो देखते हैं पहले वीडियो मजेदार होती है इनकी वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। अगर आपको इंडियन लड़की से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगे? यार शादी होनी चाहिए इंडियन हो, बंगाल हो, बर्मी हो, नेपाली हो, वियतनामी हो, लड़की हो, शादी होनी चाहिए। पहले ऊपर की विदेशी लड़कियों से शादी करने के लिए इस कदर भरे बैठे हैं कि विदेशी महिला के नाम पर काली गोरी मोटी पतली जवान बूढ़ी कैसी भी महिला मिल जाए किसी को नहीं छोड़ रहे। बंदे सोशल मीडिया पर उनकी ताड़ में लगे रहते हैं और जैसे ही सामने वाली महिला इनके प्यार में गिरी, उनके 18 साल नौजवान ने मेक्सिको की 49 साल खातून से शादी कर ली। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? और ये इकलौती विदेशी महिला नहीं है जिसने पाकिस्तान जाकर एक पाकिस्तानी से शादी की हो, बल्कि पिछले एक महीने में ही भारतीय और चीनी के बाद जनूबी अमरीकी खातून भी शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। A few moments later, लाहौर से खबर ये कि फैक्ट्री एरिया में अमेरिकन नेशनल खातून को शौहर ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को रात में लाश दफन करते हुए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सारी लड़कियों में एक बात कॉमन मिलेगी, बंदी प्यार के खातिर पाकिस्तान शादी करने तो पहुंच जाती हैं, लेकिन बंदियों के साथ सबसे पहला काम क्या किया जाता है? मेरी नानी और मेरी बड़ी बहन इनको कलमा सिखाया और ये मुसलमान हो गई। ये सियालकोटी लड़का है जिसने मारिया को ना सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया। अगर आपने इस्लाम कबूल करना है तो इन्होंने किया, उतर आया ना औकात पे। और यही तो हुआ सेम भारतीय लड़की अंजू के साथ भी। बंदी हिंदुस्तान से अंजू नाम से पाकिस्तान पहुंचती है और उसके साथ सबसे पहला काम क्या किया जाता है? भारतीय लड़की अंजू ने दीर बाला के नसरुल्ला से निकाह कर लिया। लड़की ने इस्लाम कबूल करके नाम फातिमा रख लिया। लेकिन बंदे इतने से भी नहीं रुकते, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी लड़कियों को लुभाने के लिए अंजू को घर, नौकरी, पैसा देने का दावा भी किया जाता है। भारत से आने वाली खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार मोहसिन खान ने इस्लामाबाद में 10 मरले का प्लॉट, नकद रकम और दीगर तहाइफ पेश किए। अच्छा, अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं, अपने आवाम को देने के लिए आटे की बोरी के मुँह नहीं खुल रहे और अंजू के लिए खजाने के मुंह खोलोगे, जबकि खुद पोरकियों की हालत दो वक्त की रोटी खाने को मुश्किल हो रही है अंजू को लेकर आ गए। मतलब खुद की आवाम पर खाने के लिए एक वक्त की रोटी तक नहीं, लोग आटे के पीछे मरने मानने को तैयार हैं, लेकिन अंजू को लेकर बकचोदी। अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजर ने खजाने के मुंह खोल दिए। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। भाई पोरकी किसी भी स्तर पर लंबी लंबी हांकने में कोई कसर नहीं छोड़ते, खुद साले कंगाली से दिन रात जूझ रहे, कटोरा लेकर दर बदर भीख मांगते फिर रहे और ये अंजू के लिए खजाने के मुंह खोलेंगे, जबकि इन्हीं पोरकियों की अंजू के लिए सोच। अंजू की मोहब्बत कितनों से होगी अभी आप देखना। माशाल्लाह जो पठान कौम में इन्होंने बदला ले लिया, बहुत अच्छा किया ना। सीमा की जगह अंजू आ गई। हाँ बदला ही और क्या। इसी बदले की भावना में तो पोरकी जल ही रहे हैं और ये अंजू इकलौती नहीं है बल्कि पोरकियों की भारतीय लड़कियों के लिए सोच। अगर आपको इंडियन या बांग्लादेशी दोनों में से किसी एक लड़की से शादी करने का मौका मिले तो किससे करोगे? इंडियन से करूंगा। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। वो क्यों? गुस्सा निकालूंगा अपना। क्या गुस्सा है इंडियन पे? इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ी सी अनबन है ना, सारा गुस्सा उसी पे निकालूंगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। लेकिन पोरकियों की इस मानसिकता के बावजूद भी कुछ भारतीय लड़कियों को आकल नहीं आ रही, एक मामला ठंडा भी नहीं हो पाता कि सीमा अंजू मामले की तरह एक और मामला राजस्थान से सामने आ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक नाबालिग लड़की पकड़ी गई, जयपुर से लाहौर जाने की फिराक उसकी नाबालिग। इन पोरकियों ने सोशल मीडिया को इंडियन लड़कियों को टारगेट करने का ऐसा अड्डा बनाया हुआ है मानो एक दो हिंदुस्तानी लड़कियों का धर्मांतरण करा के पूरा हिंदुस्तान फतह कर लेंगे, जबकि पोरकियों को अपनी कंगाली का आलम खुद पता है। ये भाग जाएगी, ये फातिमा भाग जाएगी, ये देखना 3-4 महीने रहेगी और 3-4 महीने के बाद ये वापस और भाग जाएगी। भाई आखिर भिखारिस्तान कोई रुकना भी क्यों चाहेगा? अब सीमा को ही देख लो, बंदी का पाकिस्तान में ऐसा जीना हराम किया हुआ था कि उसे मजबूरी में अवैध रूप से हिंदुस्तान आना पड़ गया, जिसके लिए पोरकी ये तक कहने पर मजबूर हो गए थे। मैं लड़की है, पाकिस्तान में रहती थी, इंडिया चले गई। हाँ सही है, इधर माची बहुत है, महंगाई है, आटा 45 रुपए किलो इंडिया में है, पाकिस्तान में 145 रुपए किलो है। की बैंड कंट्रोल कंट्रोल। अब भाई एक तरफ मुल्क की हालत पर कुछ पोरकियों का दर्द छलक रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीमा के भारत जाने से कुछ पोरकी छलनी भी हुए पड़े थे। कुछ पोरकियों का सीमा के भारत जाने पर कहना था, सीमा को मैं ये कहता हूँ तुम्हारी आखिर जो है कुछ भी नहीं है और तुमको ऐसे लाते मार के निकालेंगे। तो कुछ पोरकियों का कहना था, 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा उधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। क्या बोला तूने? उधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। मतलब भाई इन पोरकियों की कंगाली देखो, बंदों को आधार कार्ड भी उधार कार्ड नजर आ रहा है। क्या रे भिक मंगिया भाई, वो तो अच्छा
है, पाकिस्तान में आधार कार्ड नहीं चलता, वरना पोर्की उसे उधार कार्ड समझकर एक दूसरे से भीख मांगना शुरू कर देते। 10 रुपए का सवाल है, 10 रुपए दे दो। क्यों दे दें 10 रुपए? हम लोग सुबह से घूम रहे होते हैं, 70% तो हमारा ठेकेदार ले लेता है, तुम लोग 10 रुपए देते हुए तुम लोगों को मौत आती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? और भाई इस मुंह फट्टो औरत की बकचोदी, बंदी ये तक स्वीकारने को तैयार नहीं कि सीमा पाकिस्तान से है, बल्कि बंदी का कहना है साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। मतलब उधर पाकिस्तान का युवा स्वीकार कर चुका है। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ तब से ही जान रहा। पाकिस्तान का बूढ़ा स्वीकार कर चुका है। इसी गली में रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे, यहाँ तक कि सीमा के पड़ोस के बच्चों ने तक खुलासा कर दिया। उनको मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस औरत का कहना है, सीधी सी बात है, हम प्रूफ दे दे कि वो पाकिस्तानी है। हमने तो प्रूफ दे दिया, अब तू प्रूफ दे कि तू हलाला की पैदाइश नहीं। अब बोल। मतलब भाई बंदी सीमा के पड़ोसियों को भी सच्चा मानने को तैयार नहीं, उनके लिए भी बंदी का कहना है पैसे से हर एक चीज खरीदी जाती है। तो जरा अपनी कीमत बोल। 150 रुपया देगा भाई, इसके औकात 150 रुपए भी बहुत है, थोड़ी कीमत और गिरा। भाई पोर्कियों का क्या है कि अगर कोई हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान जाकर निकाह कर ले तो बड़ी शान से बताएंगे। दीरबाला के नौजवान नसरुल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार भारतीय लड़की अंजू ने इस्लाम कबूल करके निकाह कर लिया। और अगर कोई पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान आकर शादी कर ले तो उसके लिए यही पोर्की। इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मजहब को छोड़ के उनके मजहब में चली गई। इन बंदों की हरामजादगी देखो, अगर दूसरे धर्म की लड़की इनके मजहब में आ जाए तो सब अच्छा है, और अगर इनके मजहब की लड़की किसी दूसरे धर्म में चले जाए तो वो गलत। ये भेदभाव क्यों? भाई यही अंतर है इन पोर्कियों और हम भारतीयों में। एक लड़की जब पाकिस्तान से भारत आती है तो सीमा हैदर से सीमा हैदर ही रहती है, और जब एक लड़की भारत से पाकिस्तान जाती है तो अंजू से फातिमा बन जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद पाक मीडिया में खबर मिलती है। और अब खबर देंगे आपको कि रानीपुर पीरों की हवेली में फातिमा की मौत का मामला खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ी सी पुरानी थी लेकिन मुझे तो मजा पड़ा भाई, हैरानगी उस बात में जो 49 साल लड़के जो वो औरत कुछ भी मिल जाए आमीन है बस। भाई किसने कहा मसला ये मैक्सिको की थी यार, तो मैक्सिको क्या तुझे लगा पाकिस्तान से मैक्सिको भी पाकिस्तान से अच्छा यही बात है मैक्सिको को पाकिस्तान समझ रखा है यार। अच्छा से अमेरिका जाना आसान है। अच्छा बात ये करने की है जो वो असल में ना पाकिस्तान क्या देखती है ये औरतें पाकिस्तान में, ये वो जो आई मेक्सिको की उसने क्या वो जो इंडिया से या मेक्सिको से या कहीं उनसे पूछना भी उन्होंने बाकी से लड़कों में कुछ खास से देख लिया, बाकी ये ट्रेंड चल गया था बहुत अभी कुछ स्लो हो जितनी भी आई है ना उनमें से एक वो थी ना लड़की वो बड़ी जबरदस्त थी वो ठीक थी उम्र एज उसकी ना उस लड़के के साथ मैच करती थी। अंजू नहीं अंजू नहीं है भाई वो और यूरोप से आई थी लड़की नहीं बस बहुत आती रहती है रशियन बहुत आई है रशियन भाई ओल्ड चाइनीज बहुत आई है चाइनीज भी चाइनीज तो आनी है चाइनीज के साथ हमारा खुला प्यार व्यापार जो है इसलिए चाइनीज भी रशियन। अच्छा अंजू जब आई है तो वो अब मेरे ख्याल वापस लौट गई है वापस चली गई 15 दिन वो पाकिस्तान नरार कगार गिलगर कश्मीर वो घूमती रही है शादी करे अगर उसका वक्त चल सकता है तो कर ले। अगर वो किसको अच्छा मेजर ने पता है मेजर ने कहा था मेजर ने कहा
जी मेजर ने कहा था कि हमने इसको निकाल देना है, ये आईएसआई की एजेंट है। मैंने पहले दिन कहा था कि मेजर सर जो मर्जी बोलते रहे, सीमा अगर इंडिया में रहेगी वो सिलेक्ट हो चुकी है। वो सिलेक्ट नहीं, मेजर साहब की तो पाकिस्तान उनका कमाल सुनता ही नहीं है, उनका प्यार या आपस मोहब्बत ही बहुत। मैंने एक वीडियो देखी है, नहीं वो जो उसका क्या नाम, नहीं कृष्णा नहीं है यार, उसका उसका नाम है सचिन, सचिन सचिन तेंदुलकर, सचिन उसका नाम है। तेंदुलकर नारा में बोल भाई, वो है मुझे पता है चुके हैं वो, वैसे मैं कह रहा हूँ सचिन की बात करो, लड़के का नाम सचिन, सचिन तेंदुलकर तो उसके साथ खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, पता है पंजाब के थे वो तो मुझे पता है, वैसे वो मैं बोल रहा हूँ मिल गया वो भी उसके साथ ये जेल में नहीं है अंजू वापस, यार ये देखें वो वापस क्यों चली गई, 10-15 दिन हैरानगी वाली बात है, शादी भी की है, मजहब भी चेंज किया है, फिर वापस चली गई। तो यार बुराई इसमें क्या करो, कोई मसला बन गया घरों में मियां बीवी लड़ाई हो जाती है, मसला बन गया हो जाते ही कोई बात क्यों नहीं हो सकती, कोई होगी होगी मतलब एक और अच्छा उन्होंने बीच में सुना शुएब मलिक और संगम इंदा की तलाक होगी, दोनों अलग अलग बहुत वीडियो वायरल हुई, हमने वो वीडियो की थी, मैंने तारक मौजूम को कहा था ये झूठ ही है, झूठ देख लो के बाद कितने शो उन्होंने कटे पाकिस्तान में, कितने शो किए हैं, बातें बड़ी बड़ी। अच्छा वैसे एक बात है, पाकिस्तानी बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंडिया में शादी भी की है, बाकी ये तो इसमें बुराई की नहीं, वैसे अगर कोई इंडियन पाकिस्तान के अंदर आके शादी कर ले उस कुड़ी का, उस स्पोर्ट्समैन इंडियन के साथ अगर दिल लहका ले, देश में क्या बुराई, अपनी मर्जी है, अगर किसी पाकिस्तानी इंडिया में शादी कर ले इसमें क्या है, कोई बुराई नहीं, खुद की अपनी मर्जी है भाई। शानदार वीडियो मिलता नहीं, अल्लाह हाफिज़।